कपड़े उतारो प्लीज। क्या मैं पहले अपने भाई बहनों से बात कर सकती हूँ? फोन करने का एक मौका दिया जाएगा, पर उससे पहले उनकी आईडी चाहिए होगी। एक बार हम उनकी आईडी को क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद आप उनसे बात कर सकती हैं। दरअसल मेरे भाई बहनों को बचपन से मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए सिर्फ एक बार। ये जेल है, कोई होटल नहीं। अपने कपड़े उतारो। ये शर्ट भी उतारो। तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें हमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो तुम्हें तुम्हारा बेड दिखाती हूँ। ये ऊपर वाला मेरा है और नीचे वाला तुम्हारा। आज से तुम्हें यही सुना होगा। कितने साल की सजा है? अब तक बताया नहीं गया, जल्दी पता चल जाएगा। आओ तुम्हें चाय पिलाती हूँ। जानती हूँ तुम्हें डर लग रहा होगा, पर तुम मेरे दोस्तों से पूछ लो, मैं बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हूँ। ये लो तुम्हारे लिए चाय आ गई। और फिकर मत करो, मेरा नाम कैसिक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। तुम्हारा नाम क्या है? फिलिस। फिलिस, तो आखिर तुमने क्या किया फिलिस? किसका खून करके आई हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ दिन रुक जाओ, यहाँ की आदत हो जाएगी, फिर सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। बीवी के बारे में नहीं बताया? आज तुम्हारी पहली रात है, अजीब लग रहा होगा ना? रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत किस दिन मिलेगी? यहाँ संडेस को अलाउड होता है। महीने में 3 फोन कॉल्स और एक बार आईपीओ मिलने आ सकता है। कोई आएगा तुमसे मिलने? मेरे भाई बहन आएंगे। क्या सच में? तुम्हें पता है मेरी भी भाई बहन है, पर वो मुझसे मिलने कभी आते नहीं है। मैंने अपने पति को चाकू मारा था। तुमने अपने पति को मार डाला? नहीं, वो कमीना बच गया। वो मुझे रोज मारता था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। शादी हुई तुम्हारी? इतनी खूबसूरत हो, कोई बॉयफ्रेंड तो होगा? इसमें सोचने की क्या बात है, अगर हो तो बता दो। फिलिस अलीबॉल? हाँ मैं हूँ। तुम्हें मैनेजर ने बुलाया है,
क्या हुआ? वहीं चलकर उनसे पूछ लेना। Come in. सर यही है फिलिस। इधर आओ। हाँ वो मेरे सामने है, आप बात करना चाहेंगे उससे? हाँ करना चाहूंगा, बात कराइए प्लीज। लो बात करो, ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करना। हेलो, ये लो। थैंक्स। हेलो बरेस। हेलो फिलिस। देखो मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। वो लड़की जो वहां आई थी वो मेरी पत्नी नहीं है, सच में। उसकी और मेरी बस एक महीने के लिए शादी हुई थी, उसके बाद सब खत्म हो गया था। फिलिस तुम सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। मैं तुम्हें तलाक के पेपर्स भी दिखा दूंगा, तब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। और मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं रहमत और बाकी बच्चों को मिलने भेज दूंगा। फिलिस मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें भरोसा करना होगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? क्योंकि ये जरूरी नहीं था। सालों पहले मुझसे ये गलती हो गई थी। जो कुछ भी हुआ था वो बेवकूफी थी। हम सालों के बाद मिले थे, बस इसीलिए वो मजाक कर रही थी। मैंने उससे कहा भी कि ये कोई तरीका है, फिर उसने मुझसे माफी भी मांगी। सबने खुद अपनी आंखों से देखा। तुम्हें विश्वास ना हो तो अपने भाई बहन से पूछ लेना। फिलिस तुम सुन रही हो ना? मुझ पर भरोसा करती हो? क्या करूं बरेस? हाँ क्योंकि यही सच है। क्या कभी मैंने तुमसे झूठ कहा है? तुम जानती हो मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं बस नहीं चाहता हूँ कि तुम वहां इस बारे में सोचो, ठीक है? तुम्हें अपना ख्याल रखना है, समझ गई? बाकी सब भूल जाओ। और मेरी शादी नहीं हुई है, सच में। ठीक है ठीक है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। बरेस प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरे भाई बहनों को मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें वहाँ से निकालूंगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और तुम्हारे भाई बहन के साथ मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। मैं जल्द ही तुम्हें वहाँ से बाहर निकालूंगा, ठीक है? बरेस। हेलो फिलिस। हेलो ले जाओ इनको। आपको बहुत मिस किया। कैसे हो तुम लोग?
इस्मो बेबी, तुमने दीदी को मिस किया? हाँ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब ठीक है? हाँ। दीदी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। खा भी नहीं रहे क्या? हाँ, पतले हो गए हो, अब तुम लोगों को अपना ख्याल खुद रखना होगा। ऐसी बात नहीं है, ये पूरा दिन खाता है, बस पता नहीं कैसे पूरा का पूरा हजम कर लेता है। मैं जानती हूँ सच क्या है, आप सुनो, जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ तुम लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। ठीक है। और तुम, वेट और कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूँ? आओ बैठते हैं। सरप्राइज, ये तो केक है। हाँ, और गैस करो ये किस लिए है। ये किस लिए? देख क्या रहे हो तुम, अपना बर्थडे भूल गए? ओ, मैं तो भूल ही गया था। आ गए। आज मैं 18 का हो गया हूँ। ये लड़का भी ना। क्या लड़का है ये, अपना ही बर्थडे याद नहीं है। भूल ही गया था। आज अब हम सेलिब्रेट करते हैं। चलो केक कटो। चलो इसे फूंको और एक विश मांगो। ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू। तासिम भी पकड़ा गया। मैं जानती हूँ कि तुम अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। वादा करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आओ बैठो। इस्मो, इधर आ जाओ। वैसे हमारी दादी के क्या हालचाल है? वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पापा भी बिल्कुल ठीक है। और तिलय? हाँ, वो भी तो ठीक है। उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है, दरवाजे से ले लीजिएगा। वो प्रेग्नेंट है तो उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? हम कहते रहते हैं पर वो मानती ही नहीं। वो कहती है कि वो तभी खाएंगी जब आप खाएंगी। बहुत याद आती है सबकी। इस्मो, तुम खाओगे? लाइए, मुझे दीजिए। रुको, इससे पहले मैं भूल जाऊं, ये देखो इस पर नाम लिखा हुआ है, ये बरेस का, ये तुलय का। और ये उन्होंने भेजा है। हाँ। अच्छा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? रोज जाते हो ना? हाँ, मैं रोज जाता हूँ। आप तो जानती हैं ना, सब कुछ नॉर्मल है, कॉलेज और स्कूल में कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये सही कह रहा है, घर पे बहुत शो ऑफ करता है ये। शो ऑफ तो करेगा ही ना, शहर की बेस्ट यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप जो मिली है, शो ऑफ करना तो बनता है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मुझे छोड़िए, असली शो ऑफ तो फिको है, सेकेंडरी स्कूल में है, पर कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। पागल, मैं बड़ा हो गया हूँ? पहले की तरह बच्चा नहीं रहा, देखो बड़ा हो गया हूँ, देखो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम सिक्स्थ में हो, मैं सेवन्थ में हूँ, जब सेवन्थ में आ जाओ तब मुझसे बात करना। पर अब भी तुम लोग बच्चे ही हो, इसलिए रहमत भाई जो भी कहेंगे उनकी बात को हमेशा माना, ठीक है ना? हाँ ठीक है दीदी। बरिस कैसा है, वो ठीक है ना? वो उसने मेरे नए वकील से जाकर बात करी क्या? हाँ, कर ली होगी ना। क्या कुछ हुआ है, वो तुम लोगों से मिलता है? हाँ हाँ, वो हमसे मिलने आते रहते हैं, लेकिन वो आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं ना, इसलिए वो आपके केस से पहले कुछ ढूंढना चाहते हैं, इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं। बस और तो कोई वजह नहीं है, वो बस इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आप बाहर आ जाएं। उससे कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी यहाँ सब कुछ मिलता है, तो वो मेरी फिक्र ना करे। ठीक है। अरे क्या अभिना, आपने इस पागल के लिए केक बनाया? चलो दीदी, अगर इन लोग मुझे भी अपना फोन लाने देते तो हम लोग सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर डाल देते। तुम्हारा फोन? दरअसल दीदी, वो स्कूल में आजकल यही सब तो सिखाते हैं। हाँ, टीनेजर्स को। पर मैं अभी टीनेजर नहीं, आप टीनेजर। दिमाग खराब है क्या? अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं टीनेजर नहीं रहा। गुस्से में भी तुम बच्चे ही लगते हो। उम्र के साथ तेरा दिमाग नहीं बढ़ा? मार क्यों रहे यार, आप भी तो मुझे दिन भर मारते रहते हो। मिलने का समय खत्म हो चुका है। इतनी जल्दी? अभी तो बात करनी शुरू की थी। हाँ, पर अब मुझे जाना होगा। हाँ तो चलो फिर। इस्मो, चलो अपनी दीदी को एक किस दो। दीदी देखो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम रोना बंद करो, ठीक है? अब जाने से पहले कोई भी मत रोना, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा दीदी। हाँ, और अगले महीने ओपन विजिट है तो तुम लोग आ जाना। अच्छा, वो लेटर अपना क्या लगे? मुझे दे दो। मेरा बेबी,
इसमो दीदी से मिलने दोबारा आओगे ना? चलो आराम से जाना, ठीक है? बाय करो, अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र मत करना। दीदी दीदी वापस आ जाओ। बच्चों से मिलकर यही होता है, तुम्हें खुद को संभालना होगा। जब उन्हें जाता देखती हूँ तो इन आंसुओं को रोक ही नहीं पाती। परेशान मत हो, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुमने सही कहा, ऊपर वाले का शुक्र है। चलो अब आंसू पोछो, देखो ना मुझसे मिलने कोई भी नहीं आता और तुम्हें तो ये खत भी मिला है। अच्छे से जानते हो तुम इन्हें हजारों बार पढ़ोगी। सब ठीक हो जाएगा। रिश्तेदार नहीं है, हम उससे मिल भी नहीं सकते। मेरे लिए वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं और वो दो जिसमें एक जान है, पर इनके लिए खून का रिश्ता जरूरी होता है। हाँ, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। बहस करने से कोई फायदा नहीं है, उनके रूल्स मानने होंगे। अपनी बहन को मिस कर रही हूँ, कितने महीनों से नहीं मिली हूँ उससे। हाँ मुझे पता है, अब वो देखो आगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाकर कार में बैठो, हम लोग अभी आते हैं। कैसी है वो? जेल में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, सच में। उसे कोई शक तो नहीं हुआ ना? जरा भी नहीं। बच्चों को घर छोड़ देते हैं, फिर हम भी निकलते हैं, ठीक है? चलो। एक आइडिया है, इन सारे लेटर्स को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं, वरना हम यहाँ बस बैठे रहेंगे और हमें बुरा लगेगा। मैं चाय बनाता हूँ। हाँ हाँ जाओ, और साथ में कुछ बिस्किट्स भी लाना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना हम लोग। लेकिन भाई, हमने ये फैसला साथ में किया था, लगता है भूल गए। दीदी को ये सब बातें पता नहीं चलनी चाहिए, उन्हें बुरा लगेगा और अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। माफ करना भाई, पर मैं ऐसे रिलैक्स तो बिल्कुल नहीं रह सकता। जाओ जाकर पेन ले आओ, अभी लिखकर खत्म करते हैं, और कोई रास्ता नहीं है।
हर कोई यहाँ से निकलने की बात करता है और तुम यहाँ से जाने की बात पर उदास हो? वो इसलिए क्योंकि बाहर जिंदा रहना मुश्किल होगा और मेरा पति मुझे मार डालेगा। मुझे लगता है तुम्हें इस्तांबुल में एक नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए। मुझे इस्तांबुल में कुछ भी नहीं पता, एक ढंग की जगह तक नहीं जानती मैं। ये जो कुछ हो रहा है उस आदमी की वजह से ही हो रहा है। सच कहूं तो सारे आदमी एक जैसे हैं। फिलिस, तुमसे मिलने कोई आया है। क्यों? लॉयर है, तुमसे मिलने आया है, जाकर मिल लो उनसे। अंदर आओ फिलिस, तुम्हारे वकील एक खुशखबरी लाए हैं। कुछ नया पता चला क्या? कोई तो है जो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है फिलिस। तुम्हें फंसाया गया था, इस बात के कुछ सबूत हाथ लगे हैं। आखिर बरिस ने कर दिखाया तो कसूरवार उमेर है ना? सरवत अख्तर नाम का एक रईस आदमी है, तुम्हारी उस दुकान में ड्रग्स रखवाने में उसी आदमी का हाथ था। कैसे? क्या हो गया? मुझे छोड़ने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है। पर इसके हाथ सबूत लगे थे, मेरी बेटी नहीं साबित हो जाएगी। क्या बात कर रही है, बहुत अच्छी खबर है। वाह, ऊपर वाली का लाख लाख शुक्रिया। चलो चलो, तुम्हारा सामान पैक करते और बाहर जाकर मुझे लेटर लिखना, ठीक है? तुम्हारी कसम नहीं भूलूंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम यहाँ से जा रही हो। अरे हाँ, अपना एड्रेस तो बता। हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस बता कर जाऊंगी। फिलिस, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम्हारे साथ रहने की आदत पड़ गई है, तुम्हारे बिना क्या करूंगी मैं। तुम भी जल्दी आ जाना। ठीक है, कोशिश करूंगी मैं। Dön güneşe, güneşi bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalamadın, elimi tutmadın bu gece sende. क्या हाल है आपके हसीबे दीदी? हेलो, तुम घर जा रही हो? हाँ, पर मैं निर्दोष हूँ ये साबित हो गया। सबको सरप्राइज देती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। Yanımda kalamadın, elimi tutmadın bu gece sende. मैं वापस आ गई। सब कहाँ चले गए? रहमान, तुम्हें पता है इस डॉक्टर ने ठीक से मेरा चेकअप भी नहीं किया। पता नहीं वो मुझे इतना भगा क्यों रहा है। भगाएगा नहीं तो और क्या करेगा। हम इस तरह से अगर हर दिन उसके पास जाएंगे तो फिर यही होगा, और नहीं तो क्या। क्या तुम्हें पता भी है माँ बनने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए? तूफान जानता हूँ। अगर अभी तुमसे कहूँ ना तो तरबूज उठाओ तो उठा नहीं पाओगे, और मैं इतना वजन कितने महीनों से उठा कर चल रही हूँ पता है। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, तुम हमारे बच्चों को तरबूज से कंपेयर कर रही हो। वैसे सच है, माँ बनना इतना आसान भी नहीं। प्लीज मेरे
गई। फेलिस, यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सोचा नहीं था इसके माँ बनने से पहले वापस आ जाऊंगी मैं। अब बच्चों की आंटी आ गई है तो सबको संभाल ही लोगी ना। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच तूफान भाई। तुम्हें खड़े नहीं रहना चाहिए। ओ आराम करना चाहिए। रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तूफान भाई ये काम कीजिए, वो दरवाजा और खिड़की खोल दीजिए। पता नहीं क्या हालत बना दी है घर की। बात करनी पड़ेगी रहमत से। अब तुम वापस आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। चाय पियोगी ना? हाँ बनाओ। मैंने सोचा था मैं दादी और इस्मो को घर आकर सरप्राइज दूंगी कि मैं रिहा हो गई हूँ। तुम्हें पता है वो दोनों कहाँ गए हैं? हाँ हाँ, पार्क में घूमने गए हैं क्या? अरे हाँ याद आया, मैंने बहुत अच्छी कुकीज बनाई है। तुम चाय बनाओ, तब तक मैं लेकर आती हूँ। हुआ क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं, मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए कुकीज लेकर आती हूँ, और कुछ नहीं। आखिर बात क्या है? फिलिस, पहले तुम जरा आराम से बैठ जाओ। बताइए। मैं बताता हूँ तुम्हें। आखिर हुआ क्या है? सब कुछ ठीक है, तुम पहले बैठ तो जाओ। क्या हुआ है? दादी हॉस्पिटल में है? हाँ हॉस्पिटल में है क्या? नहीं दरअसल वो हॉस्पिटल में नहीं है। फिलिस वो तुम्हारी दादी इस दुनिया में नहीं रही। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे जब मुझसे मिलने जेल आए थे तब उनका खत भी लेकर आए थे। ये देखो। तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ फिलिस, ऊपर वाला उनकी रूह को सुकून दे। शांत हो जाओ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाँ कहीं मेरी जेल जाने की खबर सुनकर तो उन्हें? नहीं प्लीज ऐसा मत सोचो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। उनकी तबीयत पहले से ही बहुत खराब थी, वो जानती थी उनके पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारे पापा भी जानते थे, तुम लोग उदास ना हो इसलिए तुम्हें नहीं बताया, और कुछ नहीं। और हाँ जानते हो, पता नहीं वो खुद ये जानती थी या नहीं, पर जिस दिन उनकी मौत हुई वो खुद हमारे घर आई थी और उन्होंने ये कहा कि वो देखो जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी फिलिस, सब यहाँ थे, बच्चे तुम्हारे पापा वो सब उनके आखिरी वक्त में उनके पास ही थे। उन्होंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत चाहती थी वो तुम्हें। पता है वो चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो, तुम एक नई जिंदगी जियो। मैं उन्हें देख भी नहीं पाई। इस्मो कहाँ है? इस्मो तुम्हारे पापा के साथ है, बच्चे उन्हीं के साथ रहते हैं। इस्मो, किरास, फिको सब तुम्हारे पापा के साथ हैं। क्या तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें ले गए? रहमत और एकमत अब भी यहीं रहते हैं। मतलब मेरे भाई बहन एक साथ नहीं रह रहे? फिलिस, रहमत ने ये कैसे होने दिया था? बरस कहाँ था? देखो तुम्हारे पापा को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, और हम क्या कर सकते थे, ये सब इतने अचानक हुआ कि। और सच में वो औरत बहुत पैसे वाली है, महल जैसा घर है उनका, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से रहेंगे। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ओ साहब मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा है। तो लय कहाँ है मेरे भाई बहन? फिलिस कहाँ जा रही हो तुम? मुझे उनका एड्रेस दो, मैं अभी इसी वक्त उनके घर जा रही हूँ। फिलिस देखो। नहीं तूफान भाई आप जाइए और जाकर परिस को ढूंढिए, जल्दी मुझे एड्रेस लिख कर दो इस पर, मुझे याद करना पड़ेगा। फिलिस तुम अभी बहुत गुस्सा हो, थोड़ा संभालो खुद को। हाँ ठीक है तूफान भाई, परिस को कॉल कीजिए। इसको मैं आ रही हूँ।
उसे अचानक ये सब बताना पड़ गया। पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या करेगी वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो हम दोनों कर ही कह सकते थे, उसने अचानक ऐसा सवाल ही किया तो अब क्या करें हम? समझ नहीं आ रहा है, रहमत से बात करते हैं, हाँ उसे बता देना चाहिए। रुको मैं फोन करती हूँ। हाँ करो। बताइए किससे मैं फेलिस एलिबोल हूँ, फिक्री एलिबोल को बुलाइए। अब यही रुके, मैं उनको बुला लाती हूँ। मैं खुद बात कर लूंगी। अरे कहाँ जा रही हैं? आप अंदर नहीं जा सकती, रुके रुक जाइए। चुप रहिए दीदी। आप दीदी देखो, दीदी वापस आ गई। दीदी देखो, अब आपको फिर से जेल तो नहीं जाना होगा ना दीदी? ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। इधर देखो, कहीं तुम जेल से भागकर तो नहीं आई हो ना? मेरा पूरा परिवार यहीं रहता है, तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्यों बोलूंगी मैं? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ दीदी, अब हम सब लोग इसी घर में रहते हैं और यहाँ हम सबके अलग कमरे भी हैं। हाँ सच में दीदी, अब मेरे पास मोबाइल फोन भी है और देखिए बड़ा वाला टैबलेट भी, और मेरे पास एक खिलौने वाली ट्रेन है। माफ करना पर हमारी मुलाकात नहीं हुई है। फिक्रत और किराज तुम्हारी इतनी बातें करते हैं कि तुम्हें देखते ही पहचान गई। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, चलो अब आ जाओ, अपनी माँ से आशीर्वाद लो, जल्दी से हाथ चूमो उसका। आपको शर्म नहीं आती? दादी की मौत हो गई और आप पार्टी कर रहे हैं? हाँ क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मुझे अपनी माँ की मौत का गम नहीं है? जब वो मरी तब तुम क्यों नहीं आई थी? तो चलो बच्चों, अंदर खाने की टेबल तैयार है, सुले ने सबका फेवरेट खाना बनाया है, चलो आ जाओ। ये बच्चों के साथ क्या किया है? हाँ कहीं वो आपके साथ रहकर बिगड़ तो नहीं गए? देखो सुपर पापा हूँ मैं, एक अच्छा पिता हूँ और एक बहुत अच्छा पति भी, लेकिन तुम्हें तो बस खामियां निकालना आता है, समझ में नहीं आता किस पर गई हो तुम। क्या कहकर बेवकूफ बनाया उस औरत को? कहना क्या चाहती हो, प्यार करता हूँ मैं उससे। उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों में बस उसको खुश रख रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? वो बीमार है? कैंसर है बिचारी को, वो बस कुछ दिनों की मेहमान है। मैं बस उसकी बची खुची जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ। उसे बच्चे चाहिए थे और एक हंसता खेलता परिवार, जो मैंने उसे दे दिया। तो आप इसी वजह से बच्चों को यहाँ लाए थे? आपने उनकी जिंदगी को खेल और उन्हें खिलौना बना दिया। सोचा है जब ये घर छोड़ना पड़ेगा तब कैसा लगेगा? क्या फर्क पड़ता है, उनकी जिंदगी में सब कुछ तो मौजूद है, तुम्हें नहीं पता, पर अब उनको ढंग का खाना मिलता है और पहनने को अच्छे कपड़े। जरा तुम इस घर को देखो, उन्हें यहाँ खुद के अलग अलग कमरे मिले हैं, वो एक आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। जब उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा तब क्या होगा? क्या आपको लगता है वो अपने पुराने घर में आकर रह पाएंगे? आज यहाँ उनके पास जो कुछ भी है मैं उनको कभी नहीं दे पाऊंगी। कम से कम एक बार तो सोच लिया होता। मैं उन तीनों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। नहीं रुको, मैं बताता हूँ तुम करना क्या चाहती हो। तुम उन्हें यहाँ से ले जाओगी, पागल हो क्या? तुम उन्हें यहाँ से ले जाकर एक कमरे के घर में कैद कर दोगी। तुम चाहती हो कि वो यहाँ की आराम की जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ चले जाए, जहाँ सुबह शाम सिर्फ खाने में मैक्रोनी मिलती है और पास्ता मिलता है। क्या बकवास करती हो, खुद से सोचो। आप
इतना अजीब बातें करती है। आओ बैठो प्लीज, चली से एक प्लेट और लेकर आओ प्लीज। नहीं रहने दीजिए, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम लोग चलोगे? दीदी प्लीज एक बार खाना चेक कर तो देखिए, बहुत टेस्टी बना है। आइए बैठिए ना। हाँ दीदी, एक बार टेस्ट करिए आप। आइए ना, बैठिए दीदी। चले आंटी। और दीदी उसके बाद हम आपको आपका कमरा दिखाने ले चलेंगे, हमने बहुत अच्छे से सजाया है। इपे कौन है, तुम्हारी नई दोस्त? हाँ, और बहुत अमीर है, उसके पापा के पास शिप है। किराज तुम भूल गई क्या, हम भी अब अमीर हैं। मेरा रूम तो बहुत बड़ा है। हमारा पुराना घर बहुत एलिस था। फिर से कहूँ, इसका क्या मतलब है? दीदी एलिस का मतलब है लो स्टैंडर्ड। हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे अलाउड नहीं है, और वैसे भी हम लोग कूल बच्चों में से हैं। आप भी अब हमारे साथ यही रहेंगी ना, हमें छोड़कर नहीं जाएंगी ना? बताइए ना, क्या ये यहाँ रह सकती है? ये भी कोई पूछने की बात है किराज, तुम यहाँ रह सकती हो? नहीं शुक्रिया, मैं अपने घर में ही रहूंगी। मैंने सोचा कि हम सब वहां साथ में रहेंगे, मुझे बस अपने भाई बहनों को देखना था। आप भी रुक जाइए ना, मुझे यहाँ मजा आता है। मगर ये हमारा घर नहीं है। हाँ तो फिर जाओ ना, बैठी क्यों हो, किसने रोका है? जाओ अपने घर, बच्चे यहीं रहेंगे अपने पापा के साथ। बस करो, छोड़ूंगी नहीं आपको। अब ये भी कोई पूछने की बात है, दूल्हे दीदी ने हमें सब बताया था। डैड ने बच्चों को लाने नहीं दिया ना? चलो अंदर चल के बात करें। आखिरकार ये सारी तैयारियां मेरे लिए की हैं। हाँ सब आपके लिए किया है। चलो फाइनली घर की सफाई हो गई। हमें लगा था कि आप वहाँ गई हैं तो कुछ खा कर आएंगी। वैसे आप बच्चों से मिली, कैसे हैं वो? हाँ ठीक है, इतने खुश हैं जैसे किसी पार्क में हो। भले आज उनके पास सब कुछ है, पर डैड का भरोसा क्या है, कब उनको वहाँ से निकाल दिया जाए? उनके पास उनके पर्सनल फोन्स हैं, बड़ी स्क्रीन वाला टैबलेट है, और इसमो के कमरे में तो उन लोगों ने खिलौने वाली ट्रेन भी लगाई है जो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और अब वापस आकर उसे प्लास्टिक की कार मिलेगी। उन्हें मजे करने देते हैं ना, सबको ये मौका नहीं मिलता। पापा की तरह बात मत करो। कैसे समझाएंगे हम उन लोगों को? हाँ क्या उस घर में रहने के बाद बच्चे इस घर में रह पाएंगे? पता है उन्होंने इस घर को क्या कहा? एक लो क्लास जगह, गरीबों की जगह। कैसे संभालूंगी मैं ये सब, कैसे समझाऊंगी उन्हें कि यही हमारी किस्मत है? परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा दीदी। पर कैसे ठीक होगा सब? हाँ वो हमारी बात कभी नहीं समझेंगे। मैं मानती हूँ तुम लोग पापा को नहीं रोक पाए, पर परेश कहाँ था? इस बारे में उसे बताया नहीं क्या? आने दो, से मैं खबर लेती हूँ। वैसे दीदी हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया, क्या मैं आपको एक हक कर सकता हूँ? बहुत दिनों के बाद आपसे ऐसे मिल रहा हूँ। पहले ये बताओ कि बरिस है कहाँ? वैसे उसका कारवा भी गायब है, अगर वही है तो बहुत सुनेगा। अब क्या करें? मुझे क्या पता। हाँ क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, आ जाओ। लाओ मुझे तो मैं पकड़ती हूँ। क्या हुआ, मिनी बॉल्स नहीं आए? पापा ने उन्हें मेरे साथ नहीं आने दिया। इधर दो। तूफान भाई बरिस का कुछ पता चला कि कहाँ गायब है?
एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? बरिस कहीं गायब है। गायब मतलब? मतलब वो हमें कहीं नहीं मिला। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो गायब हो गया और हम ये तुमसे छुपाते छुपाते थक गए थे। क्या? तुलय, दरअसल तुम्हारे अरेस्ट होने के बाद से वो कभी यहाँ दिखा ही नहीं, मतलब अभी नजर नहीं। तो तुमने मुझसे झूठ कहा? तुमने कहा था वो तुमसे मिलता रहता है। हमने आपसे झूठ कहा था? ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे लेटर्स भेजे थे, कहाँ से आए थे वो सब? जवाब दो, आखिर वो किसने लिखे थे? दरअसल वो सब हमने लिखे थे। ये कोई मजाक है क्या? क्या कह रहे हो तुम? और तुम्हें पता है उसने मुझे कौन कॉल किया था? फिर ये सब? हाँ, वो अपनी पत्नी के साथ है, यही छुपाना चाहते हो ना? नहीं दीदी, ये सब उसकी बीवी के बारे में नहीं है। जिस दिन आपको जेल लेकर गए थे तब बरिस ने उस लड़की को बहुत डांटा था। वो बस एक महीने के लिए शादीशुदा थे। उन्होंने जो फोन करके आपको बताया था उतना ही हमें भी बताया था। और उसके बाद? उसके बाद हम सब घर आ गए। बरिस ने हमसे ये कहा था कि हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए और वो कुछ भी करके तुम्हें वहाँ से निकालेगा, लेकिन वो आया ही नहीं। अगली सुबह हम लोग उठे तो उसका फोन स्विच ऑफ था, कैरावैन गायब थी और वो कहीं नहीं दिखा। कहीं उसे कुछ? ऐसा कुछ ना हो, हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने के लिए, हमने रिपोर्ट की है। हॉस्पिटल में जाकर चेक किया? हाँ, हम हॉस्पिटल गए थे लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है और अब वो वहाँ नहीं आता। उसकी मॉम से पूछा? दीदी, हम उनके घर भी गए। मैंने बताया तो कि हमने हर जगह ढूंढा, सच कह रहा हूँ। मैं और तूफान भाई कई बार उनकी मॉम के घर गए लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। दीदी, हम सच कह रहे हैं। पर दीदी, मैं खुद जाकर उसे ढूंढ लूंगी, वो ऐसे गायब नहीं हो जाता। दीदी, दीदी रुक जाइए, जाइए, कहाँ जा रही हैं आप? दीदी प्लीज, फिलिस, अरे फिलिस रुको। फिलिस, अरे तुम कहाँ हमारे साथ आ रही हो? तुम्हें यही रुकना चाहिए। मुझे रोको मत, फिलिस पीछे जा रहा है। अच्छा रुको, फिलिस तुम जल्दी से मेरे कार में बैठ जाओ। आ जाओ जल्दी। दीदी आप कहाँ जा रही हैं? दीदी रुक जाइए, जाने दो, मुझे बरिस को ढूंढना है। हाँ लेकिन इस वक्त उसे कहाँ ढूंढेंगे आप? छोड़ो, इतनी रात में आखिर आप कहाँ जाएंगी? फिलिस कहाँ जा रही है? मुझे बरिस को ढूंढना है तूफान भाई, मुझे जाना होगा। हाँ तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऐसे पैदल जाने से क्या फायदा है बताओ? चलो कार में बैठ जाओ, साथ में चल के ढूंढते हैं। फिलिस प्लीज मेरी हालत को समझो, मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं पाऊंगी। तुम्हें जहाँ जाना है हमारे साथ चलो, हम साथ में ढूंढते हैं। चलो चलो आ जाओ फिलिस, कार में बैठ जाओ। अब ये क्या नया तमाशा है? फिलिस,